हेलो व्यूअर्स, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग जी सच। तो आज भी कुछ ऐसा आप लोग से मैं सोचा हूँ कुछ थॉट शेयर करने के लिए। तो ये शेयर क्या करूँगा, ये जहाँ पे मैं कैमरा रखा हूँ ना, ये एक्चुअली वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है इस जगह में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा छुपा के सब बनाया। और अभी मेरा थोड़ा खाली था, बोले तो फ्री टाइम है, इसलिए हम सोचा चलो एक ब्लॉग बना लेता हूँ। और हम लोग जहाँ पे हूँ अभी, इसका बाजू में एयरपोर्ट है, इसलिए आप लोगों को सुनाई देगा होगा फ्लाइट का। अभी फ्लाइट टेक ऑफ किया है तो इसलिए आवाज़ भी आ रहा है। तो देखो मैं अभी बताऊँगा, इसलिए हम लोग का लाइफ जो है ना, ये भी कभी कभी टेक ऑफ होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए हर सबके लिए। और इस वीडियो में किन लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिन लोग पता है ना, कोई बैकबोन छोड़ के, बैकबोन बोले तो कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी स्ट्रगल करते जा रहा है इंडिया में, कहीं पे बोले तो एक सिटी से दूसरा सिटी जाके काम कर रहा है, फिर पैसा भी उतना अच्छा नहीं है, जो पैसा मिलता है वो फैमिली सही से नहीं रन कर सकता है, सर्वाइव बहुत ज़्यादा करना पड़ता है लाइफ के लिए। इन सब आदमी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, समझ में आया ना, ताकि ये लाइफ का जो हकीकत है उन लोगों को पता चले। मेरा कहानी मेरा ब्लॉग में बहुत सारा है, आप लोग देख सकता है, पता चलेगा मैं कैसे इधर आया यूएस, तो प्रोसेस क्या किया है, कितना दिन लगाया है, कितना पैसा खर्चा किया है। तो आज मैं इसलिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, और आपका मोटिवेट करने के लिए वीडियो है। इसमें कोई खास क्रूज रिलेटेड मैं बातें नहीं बनाऊँगा, बट लाइफ रिलेटेड मैं कुछ बातें आप लोग से शेयर करूँगा जो आप लोग को अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। देखिए हम लोग का लाइफ भी कभी कभी ऐसा ना बूस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाता है, बट इसके लिए आपको पेशेंस एकदम सही से रहना चाहिए। क्या आपके अंदर होना चाहिए, मैं बूस्ट होऊंगा और मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा बहुत रिलेटिव आपका खुद का फैमिली के अंदर मिलेगा जो आपको डीमोटिवेट करने वाला है, ऐसा बहुत सारा नेवर सबको मिलेगा जो आपको डीमोटिवेट करने वाला है, ये तू क्या काम कर रहा है ऐसा बोल सकता है। बट देखिए हर एक काम के लिए ना फ्यूचर है, हर एक काम के लिए फ्यूचर है, बट उसको सही से इस्तेमाल करना वो आपका दिमाग का ऊपर डिपेंड करता है, किस जगह में आप इस्तेमाल करोगे। रोड के साइड में देखा है ना, जो लोग चाबी बनाता है, चाबी देखा है, डुप्लीकेट चाबी बनाता है, तो आप अगर सोचेंगे ना, ये डुप्लीकेट चाबी वाला जो लड़का है रोड पे बैठ के चाबी बना रहा है, इसका कोई करियर नहीं है, ये अगर आप सोच लिया तो ये आप गलत सोच लिया, पता है ना। अगर आप सोचा है उसमें मैं फ्यूचर बनाऊंगा आपका, बोले तो खुद का, तो आप बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले ऐसा नहीं था, देखो पहले ऐसा नहीं था, क्या YouTube में बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा, बहुत सारा ब्लॉग मिलेगा जो जिसमें आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, और सही गलत दोनों इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो अगर जब कंटिन्यूसली कुछ भी देखोगे तब आपको पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। और देखो आप अगर सोच लिया ना, मैं इस चीज़ के ऊपर मेरा करियर बनाऊँगा, इसके लिए देखिए हर एक चीज़ हर एक जगह पे बनता नहीं है, पता है ना, पता। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये मैं कैसे आपको कनेक्ट करूँगा ये समझ में नहीं आ रहा है, बट इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। देखो आप अगर बड़ा कोई करियर के लिए सोचा है, मान लो आप फ्लाइट चलाओगे, फ्लाइट पायलट बनोगे, तो पायलट बनने का बाद आप मान लो मेदिनीपुर से हो, बट दूसरा कोई सिटी से हो, विलेज से हो, तो आप पायलट का काम उधर नहीं मिलेगा आपको, वो करने के लिए आपको कोई अच्छा वाला बोले तो सिटी में जाना पड़ेगा, ऐसा जगह में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको वो मिलेगा, बोले तो जहाँ पे आपको वो क्या बोलता है जॉब मिल सकता है सही से। बट इसलिए आपको क्या करना चाहिए, उधर से छोड़ के जाना चाहिए, बोले तो आपका जो जगह है उसको छोड़ जाना चाहिए, अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, ऐसा ही बात है। तो अगर आप सोचा है मैं इसमें बनाऊंगा करियर, तो उस जगह में आपको जाना चाहिए जिस जगह में आपका डिमांड है। अगर डिमांड ये समझने के लिए कहाँ क्या करना पड़ेगा, ये समझने के लिए आपको इतना सारा ब्लॉग है, आप देख सकते हो, कभी ना कभी आप देख सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारा ब्लॉग है। आप अगर डुप्लीकेट चाबी मेकर हो, बोले तो डुप्लीकेट की मेकर आप लगा लो, करके सर्च करो, सर्च करने के बाद देखो हज़ारों ऐसा करियर का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपका सामने। बट ये जो कीवर्ड होता है ना, ये लाइफ में सेट करना चाहिए, कीवर्ड जो है ना, ये स्पेसिफिक करता है आपका डेस्टिनेशन, आप किस जगह में जाना चाहते हो। आप अगर मान लो ट्रेन में हो, सफ़र कर रहे हो, कहाँ से, बिहार से जाओगे दिल्ली,
और बीच में कोई ऐसा पॉलिटिकल इशू आ गया और कुछ आ गया, उसमें आपका जो ट्रेन है वो आगे नहीं जा पाएगा। तो आप मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। तो उस टाइम आपको क्या होगा थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्या मेरा डेस्टिनेशन है दिल्ली, अगर मैं रुक गया बिहार में तो मैं कैसे जाऊंगा। उस टाइम आप थोड़ा नेट सर्च करके अगर देख लिया ना मेरा दूसरा रूट कैसे बन सकता है, तो आपको खुद को पता चल जाएगा मेरे को दिल्ली जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। समझ में आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो, अगर आप इंडिया में बैठ के वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं मेरा करियर इंडिया से बूस्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर बहुत सारा ऐसा करियर है जो इंडिया में बूस्ट होगा वो सही है, बट बहुत सारा ऐसा भी करियर है जो इंडिया में आपका नहीं बन सकता है, इसलिए आपको दूसरा कोई स्टेट जाना, सॉरी कंट्री जाना पड़ेगा, ऐसा है। तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, देखो मेरे को ऐसा करियर चाहिए, मैं क्या करूँगा। अगर आप कंटिन्यूसली ब्राउजिंग करोगे इंटरनेट पर तो आपको पता चलेगा आपका सही डेस्टिनेशन क्या है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपका घर के अंदर से नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा और इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सपर्ट होता है उससे मिलना चाहिए, तो वो ही आपको गाइड करेगा कैसे आपका करियर बन सकता है। मेरा भी करियर ऐसा ही बना है, मैं हमको ये पता नहीं था मैं ऐसा बनाऊँगा कुछ होगा, बट जब मैं इंडस्ट्री से मिला था एक्सपर्ट से, तब वो लोग गाइड किया, ए भाई अभी तू पासपोर्ट बना, ए भाई अभी तू ये बना वो बना, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स बना, अभी एग्जीबिशन होता है, एक्सपो होता है, उसमें जाके थोड़ा पार्टिसिपेट कर। एक्सपो क्या होता है पता है ना, इंडिया में बहुत सारा एक्सपो होता है जो इंडस्ट्रियल रिलेटेड, उसमें जाओ थोड़ा बात करो, आदमी को आपका शक्ल दिखाओ, तो ये बातचीत होते 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 ना एक चैनल बन जाएगा, काम भी बनते रहेगा। तो ऐसा बहुत सारा है हम लोग का करियर के अंदर भी, आपको अगर बोले तो सही करियर चाहिए तो आपको इंडस्ट्री में आना चाहिए। इंडस्ट्री में अगर छोटा सैलरी भी आपको मिला मुश्किल नहीं है, बट आपको कंटिन्यू करना चाहिए। देखो ऐसा सैलरी मिलेगा आपका सर्वाइव हो जाएगा खाने पीने के लिए, लाइफ तो उतना वो नहीं है, आपको आईफोन यूज़ करना है, आपको मर्सिडीज बेंज चलना है, ऐसा नहीं है ना। स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको बाइक से चला सकते हो, प्लेटिना ले सकते हो, बट आपका जो दिमाग होना चाहिए डेस्टिनेशन, मेरे को दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए जो करना है ना आपका जो मिनिमाइज़ करना चाहिए, आपका जो फैमिली कॉस्ट है कुछ भी है सब मिनिमाइज़ करके करियर बनाने के ऊपर फोकस दो। क्या साइड में बहुत सर्टिफिकेट कोर्स होता है, छोटा छोटा सर्टिफिकेट कोर्स, उसमें लगाओ पैसा। तो अगर आप खुद बना लिया एक बार खुद को, उसके बाद तुम सोचो ही मत, उसको सोचो ही मत, क्योंकि कंपनी बैठा है आपको लेने के लिए। अभी आपको देखना पड़ेगा कौन सा कंपनी आपको लेना चाहता है। इतना एक्सपीरियंस आपके अंदर आ जाएगा ना एक टाइम पे, मान लो 6 साल आप घस दिया इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि आप शू फैक्ट्री में काम कर रहे हो 2 साल, उसके बाद मूव कर गया हाउसकीपिंग में, और फिर हाउसकीपिंग में 1 साल काम किया, काम करने के बाद फर्नीचर सेट करने लगा है कारपेंटर होके, ऐसा है तो ऐसा काम कर रहे थे तो पता वो आपका ग्रोथ नहीं होगा, भटकते रहोगे। अभी सेम एक इंडस्ट्री पकड़ के रखो और उसको अंदर आप एक्सपर्ट बनने के लिए कोशिश करो। छोटा छोटा सर्टिफिकेट कोर्स इंडिया में बहुत सारा है, बहुत सारा है, मैं कैसे बताऊंगा। तो ये सब अगर आप कर लिया एक बार, आपका ऊपर क्या होता है ना, लड़का लोग थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो एक लाइफ इंश्योरेंस ले लेता है, अबे तू मर जाएगा तो तेरा पैसा क्या होगा, सोच रहा है भाई मेरा बीवी बच्चा खाएगा, नो, सर्वाइव करने के लिए वो लोग खुद रास्ता देख लेगा, वो तुम्हारा ऊपर भरोसा करके बैठा नहीं है। बट अगर तुम खुद बन गया सही से, सब सही रहेगा। समझ में आया मेरा बात, अगर नहीं आया तो बाद में मैं फिर एक वीडियो बना के आपको बताऊँगा क्या है। तो इसलिए आपको खुद को बनाना चाहिए। बहुत लड़का क्या होता है ना, जो स्कूल छोड़ के छोटा से काम करने लगता है, मेरा जैसा बहुत है, इंडिया में बहुत है। तो उस टाइम क्या करना चाहिए, खुद को ऊपर डेवलप करना स्टार्ट करो, छोटा छोटा सर्टिफिकेट कोर्स, इसमें पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, 2000-3000 कॉस्ट होगा और सर्टिफिकेट आपको मिलते जाएगा। कहीं पे सेमिनार चले अटेंड करो, कहीं पे कुछ भी, आपको इंडस्ट्री रिलेटेड होना चाहिए, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो इंडस्ट्री रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप कर लिया ऐसा कंटिन्यू कुछ, 5 साल बाद तुम सोचो मैं इतना इन्वेस्ट किया था मेरे को अभी प्रॉफिट आने लगा है, जो ऐसा होता है ना शेयर मार्केट में प्रॉफिट आता है, तो आपको भी ऐसा प्रॉफिट आएगा आपके करियर के ऊपर, तब आपको पता चलेगा मैं किस लिए वीडियो बना रहा हूँ। रुको।